हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो बच्चों, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन आज क्लास टेंथ में एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। तो सभी लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ें एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और कोशेंट की वैल्यू जो है वो निकालिए और रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू है वो निकालिए। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोला है, बस यही निकालना है हमें। ना तो इसमें एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ना कोई और इसमें चीज़ें करनी है। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। तो अपन करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें तो पी एक्स की वैल्यू है एक्स का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x-3। एक्स का पावर 3 माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 5x-3। और जी एक्स की वैल्यू है x² माइनस 2। तो पी एक्स अपन लिखें तो ये x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 5x-3। इसको अपन डिवाइड करेंगे x² माइनस 2 से। स्टेप्स देखें, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो x³ अपॉन x² आ गया। डायरेक्ट x लिख दूं, x का मल्टीप्लाइड x² से होगा तो x³ आएगा, x का मल्टीप्लाइड -2 से होगा तो -2x आएगा। ध्यान रखिए -2x आया तो x वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा, तो 5x के नीचे -2x लिख दिया। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये जाएगा -3x² प्लस हो जाएगा 7x-3। अब इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म करेंगे तो -3 आएगा, -3 का मल्टीप्लाइड होगा x² से तो -3x², -3 का मल्टीप्लाइड होगा -2 से तो हो जाएगा +6। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 7x-6-3 -9। तो हो गया भाई ये क्वेश्चन सॉल्व। फिर अपन लिखेंगे भाई हमने डिवाइड कर दिया है भाई साहब, और इसका जो कोशेंट है उस कोशेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आई है x-3, और उसका जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर की वैल्यू आई है 7x-9। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट के बाद अपन देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए भाई फर्स्ट का सेकेंड पार्ट अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में बोला गया है पी एक्स की जो वैल्यू दी है वो क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 5। और जी एक्स की वैल्यू दी है x² + 1 - x। तो सबसे पहले इसे अपन एडजस्ट से लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो x² - x + 1 ये अपन जी एक्स लिखेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं तो ये है x⁴ माइनस ऑफ 3x² प्लस 4x + 5। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इसको मैं डिवाइड करूंगा x² - x + 1 से। अगर डिवाइड करूंगा तो इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो x⁴ अपॉन x² इज x², ये डिवाइड हो गया। अब जो आया उसको अपन कहाँ लिखेंगे, ऊपर, तो x² ऊपर लिख गया, जो ऊपर लिखा उसको अपन करेंगे मल्टीप्लाइड डिवाइजर से, तो x² - x + 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो x⁴ - x³ + x² आएगा। फिर लिखेंगे नीचे तो x⁴ के नीचे लिख गया, लेकिन अब देखिए -x³ तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे x³ वाला, तो हमने यहाँ लिख दिया -x³, और +x² जो है वो हमने x² के नीचे लिख दिया। तो इतना हो गया हमारे पास। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -4x², ये आ जाएगा +4x और +5। ये +x³ आया है, लेकिन x³ जो है इन सबसे बड़ी पावर है, तो x³ + x³ वाला टर्म अपन सबसे आगे लिख देंगे, क्योंकि अपन को ऑर्डर वाइज लिखना पड़ता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसीलिए +x³ का टर्म मैंने सबसे आगे लिख दिया।
यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अपन आगे बढ़ें। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिवाइड इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, एक्स। एक्स को अपन ने लिखा ऊपर, एक्स का मल्टीप्लाइड किया एक्स स्क्वायर से तो आ गया एक्स क्यूब। एक्स का मल्टीप्लाइड किया माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाइड किया वन से तो प्लस एक्स। डिवाइड किया तो माइनस प्लस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ये आ गया अपना। अब फिर से अपन डिवाइड करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री। माइनस थ्री आएगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स इज प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस थ्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों कैंसिल तो रिमाइंडर आ गया एट। तो मैंने जब ये सॉल्व किया तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया इसका वो क्या आया, ये आ गया, और जो रिमाइंडर आया वो ये आ गया। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट रिमाइंडर एट आ गया है ना। चलिए फर्स्ट के सेकेंड पार्ट के बाद आते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, अब फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें पी एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी है एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर फोर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू दी है, जी एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी है टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। अब मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा एक्स का पावर फोर माइनस ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म करेंगे तो एक्स का पावर फोर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू से तो प्लस एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स का पावर फोर तो एक्स का पावर फोर के नीचे आएगा लेकिन माइनस टू एक्स स्क्वायर जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये आ गया माइनस ऑफ फाइव एक्स और ये आ गया प्लस ऑफ सिक्स, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर हमें हाईएस्ट पावर होने के कारण आगे लिखना पड़ेगा। अब इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म कितना जाएगा, माइनस टू, माइनस टू से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू प्लस टू इज माइनस फोर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर वन के सभी पार्ट अपन ने कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर टू के सभी पार्ट। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, क्वेश्चन नंबर टू में हमसे बोला गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए देखते हैं अपन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट एक बार और अपन पढ़ें। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए हैं क्वेश्चन अपन देखें, एक दिया है टी स्क्वायर माइनस थ्री, टी स्क्वायर माइनस थ्री, और दूसरा दिया है टू टी का पावर फोर और प्लस थ्री टी, प्लस थ्री टी क्यूब, प्लस थ्री टी क्यूब माइनस ऑफ टू टी स्क्वायर, माइनस ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन टी माइनस ऑफ ट्वेल्व। तो चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं, वाई डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो अपन डिवाइड कर दो भैया, तो ये हो जाएगा टू इंटू टी का पावर फोर प्लस थ्री इंटू टी का पावर थ्री माइनस ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन्टी माइनस ट्वेल्व, ये है ना भाई, माइनस ट्वेल्व भी है ठीक। इसको डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस थ्री से, इसको अपन डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस थ्री से, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है टू टी फोर और इसका फर्स्ट टर्म क्या है टी स्क्वायर, डिवाइड करने पे आएगा टू टी स्क्वायर। टू टी स्क्वायर अपन ऊपर लिख देंगे तो टू टी स्क्वायर का मल्टीप्लाइड होगा टी स्क्वायर से तो हो जाएगा ये टू टी का पावर फोर, टू टी स्क्वायर का मल्टीप्लाइड होगा माइनस थ्री से तो हो जाएगा माइनस सिक्स टी स्क्वायर, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये कैंसिल हो गया, थ्री टी का पावर थ्री प्लस सिक्स माइनस टू इज प्लस फोर टी स्क्वायर
माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 12। अपन आगे बढ़े, इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, मतलब अपन करेंगे 3t³ अपॉन टी स्क्वायर, तो आंसर क्या जाएगा 3t, तो अपन लिखेंगे प्लस 3t, तो 3t इंटू टी स्क्वायर तो आ जाएगा 3t³, और 3t इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 90, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 12। अब ये 4t स्क्वायर टी से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो 4 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 12, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया 0। अपन देखो पूरा लिखेंगे आगे, इतना अपने पास आ गया, ठीक है। इसमें आगे का जो राइटिंग स्किल है उस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप राइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका हो सकता है कुछ मार्क्स इसमें कट जाएँ, तो ध्यान ये देना है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, अपन ने देखा रिमाइंडर जीरो है, तो अपन लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज जीरो, लिखना है आपको सिंस रिमाइंडर इज जीरो, सो क्या लिखा था, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या लिखोगे आप, सिंस रिमाइंडर इज जीरो, तो द फर्स्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। इतनी सी एक लाइन आपको लास्ट में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन सेकेंड का सेकेंड पार्ट अपन करते हैं। अब सेकेंड का सेकेंड पार्ट, सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखें अगर, तो सेकेंड के सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि दो पॉलिनोमियल हैं, क्वेश्चन तो वही है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल है 3x का पावर 4 प्लस 5x³, 3x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। चेक करना है पहले वाला दूसरे वाले का फैक्टर है कि नहीं, बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो करते हैं अपन डिवाइड, करते हैं कुल मिला के, डिवीज़न करवाना चाहते हैं, डिवीज़न करना है, लास्ट में एक लाइन लिखना है बस, पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो ये हमारे पास है 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 7 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। इसको अपन डिवाइड करते हैं, इसको अपन डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। पहला स्टेप इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, तो अगर मैं 3x का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपन ऐसा ऊपर लिख देते हैं, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, तो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 9 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 9x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इतना हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 4x³, ये जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसका फर्स्ट टर्म माइनस 4x³, इसका एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे माइनस 4x आएगा, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x³, माइनस 4x इंटू माइनस 3x इज माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस ऑफ 4x। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 2, ये जाएगा। फिर अपन आगे डिवाइड करेंगे इसको, आगे डिवाइड करेंगे तो भाई इसको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 24x प्लस 8। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 6x माइनस 24x इज माइनस ऑफ 18x और प्लस 2 माइनस 8 इज माइनस 6, तो दिस इज़ द रिमाइंडर। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड के सेकेंड के बाद अपन आते हैं सेकेंड का थर्ड। अब सेकेंड का थर्ड देखिए, सेकेंड का जो थर्ड जो है, सेकेंड का थर्ड में हमारे पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस 3x प्लस 1, वो हमारे पास है x³ माइनस ऑफ 3x प्लस 1, और सेकेंड पॉलिनोमियल है x का पावर 5
एक्स का पावर 5 और माइनस ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको अपन डिवाइड करेंगे x³ माइनस ऑफ 3x प्लस 1 से। इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म तो x² इंटू x³ इज x का पावर 5 x² माइनस 3 इज माइनस 3x³ एंड प्लस x² सबट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये हो गया माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1 सही है, यही है माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम देखें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 आएगा तो ये माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 2। सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल फर्स्ट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल सेकेंड। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। हाँ भाई ये सेकंड का सेकंड फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 1। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको इससे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² 3x² इंटू x² हो जाएगा 3x का पावर 4 3x² इंटू 3x आ जाएगा हमारे पास 9x³ और 3x² प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3x² और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x³ माइनस ऑफ 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब माइनस 4x³ को डिवाइड करेंगे x² से तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4x, तो माइनस 4x इंटू x² इज माइनस 4x³ माइनस 4x इंटू माइनस प्लस 3x इज माइनस ऑफ 12x² एंड माइनस ऑफ 4x, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल तो ये जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो सेकंड के सेकंड का रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट पॉलीनोमियल सेकंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है। तो इसे सुधार लीजिए, सेकंड का सेकंड का आंसर हमारे पास आएगा यस, फर्स्ट पॉलीनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलीनोमियल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला ऑब्टेन द ऑल अदर जीरो, ऑल अदर जीरोज निकालना है ऑफ द पॉलिनोमियल 3 ऑफ द पॉलिनोमियल 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6x³ और माइनस 2x² माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5। ये पी एक्स है, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बोला गया 2 ऑफ जीरोज इज 5/√3, एक जीरो इसका कितना है 5/√3 और दूसरा जीरो है माइनस 5/√3, ये इसके दो जीरोज हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर 5/√3 इसका जीरो है मतलब x माइनस 5/3 का अंडर रूट इसका एक फैक्टर होगा, तो अपन लिख लेंगे, इसको लिखेंगे आप x माइनस 5/√3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड x प्लस 5/3 का अंडर रूट इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। सो x माइनस 5/√3 इंटू x प्लस 5/√3 इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो x² माइनस 5/3 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब देखो अपन इसको भी फैक्टर मान के इस डायरेक्ट इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर इससे आपको डिवाइड नहीं करना है इसको आप जीरो पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 3x² माइनस 5 जो होगा वो भी इसका फैक्टर हो सकता है, दोनों से कर सकते हैं। क्या कहा मैंने ज़रा सुनिए भाई, हमने कहा कि भाई ऐसा है कि जब x इक्वल टू 5/3 का अंडर रूट इसका एक फैक्टर वो जीरो है तो x माइनस 5/3 का अंडर रूट इसका एक फैक्टर होगा, सिमिलरली x प्लस 5/√3 का अंडर रूट 5/3 का अंडर रूट इसका एक फैक्टर होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाइड x² माइनस 5/3 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो अपन इससे इसको डिवाइड कर दें, अगर इससे डिवाइड नहीं करना है तो उसको जीरो पुट कर दो तो आ गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 5 भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अपन इसको जनरली इसी से करेंगे,
तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इतना आप लिखेंगे पहले, इतना आप लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है, पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से डिवाइड करना है। चलिए अपन करते हैं डिवाइड। इतना नोट करने के बाद तो ये हमारे पास है थ्री एक्स का पावर फोर प्लस सिक्स एक्स का पावर थ्री माइनस ऑफ टू एक्स का पावर टू माइनस टेन एक्स माइनस ऑफ फाइव, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से। अब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। भाई ये थ्री एक्स का पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर का हम मल्टीप्लाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से, तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज थ्री एक्स का पावर फोर, और जब थ्री एक्स स्क्वायर का फाइव बाई थ्री से मल्टीप्लाइड होगा तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपन ने लिख दिया एक्स का पावर फोर के नीचे थ्री एक्स का पावर फोर, और एक्स स्क्वायर के नीचे हमने लिख दिया माइनस ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर। इतना लिखने के बाद फिर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। सही है, ये सिक्स एक्स क्यूब, ये प्लस फाइव माइनस टू इज प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस टेन एक्स माइनस फाइव आ गया। अब इसका फर्स्ट टर्म अपॉन इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है सिक्स एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, डिवाइड करने पर आएगा सिक्स एक्स, तो अपन ने लिखा प्लस सिक्स एक्स। अब सिक्स एक्स का आपने मल्टीप्लाइड किया, सिक्स एक्स का आपने मल्टीप्लाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री से, तो सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया सिक्स एक्स क्यूब, और सिक्स एक्स इंटू फाइव बाई थ्री तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ टेन एक्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और टेन एक्स के नीचे टेन एक्स, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे इसको तो थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, प्लस थ्री, और प्लस थ्री का मल्टीप्लाइड होगा एक्स स्क्वायर से तो थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री का मल्टीप्लाइड होगा माइनस फाइव बाई थ्री से तो माइनस फाइव, ये माइनस ये फाइव, ये कैंसिल होकर रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो। तो ये दूसरा स्टेप आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, यहाँ तक नोट करने के बाद, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा पहले, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर अगला स्टेप ये होगा कि जो पी एक्स था, पी एक्स था जो, उस पी एक्स को की जो वैल्यू थी, पी एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी, थ्री इंटू एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स की पावर थ्री माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब हो ये रहा है कि हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड टू अदर रूट, तो इससे तो पहले के दो रूट आ चुके हैं तो टू अदर रूट्स आएंगे, तो अपन लिखेंगे वी हैव टू फाइंड टू अदर रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स, सो वी पुट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। थ्री से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, और इसको भी जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो टू अदर रूट्स क्या आ गए, माइनस वन कॉमा माइनस वन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू वाई जी एक्स, क्वेश्चन इज एक्स माइनस टू रिमाइंडर इज माइनस टू एक्स प्लस फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे, इसको अपन ले लेंगे पी एक्स, और वी विल यूज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर पी एक्स है तो पी एक्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ क्यू एक्स, जी एक्स से रिमाइंडर आता है आर एक्स और क्वेश्चन आता है क्यू एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स। सही बात है, तो हमारे पास जो है पी एक्स माइनस आर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्यू एक्स इंटू जी एक्स, तो जी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी एक्स, दिस इज़ इक्वेशन नंबर वन। तो हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले अपन पी एक्स माइनस आर एक्स निकालें, तो पी एक्स की जो वैल्यू है ये है एक्स का पावर थ्री माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और जो आर एक्स की वैल्यू है
ये है एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो ये आ गया माइनस टू एक्स प्लस फोर। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास पी एक्स माइनस आर एक्स की जो वैल्यू आएगी ये जाएगी एक्स क्यूब और माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। सही है भाई, हमारे पास पी एक्स माइनस आर एक्स निकाला, पी एक्स था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, आर एक्स था माइनस टू एक्स प्लस फोर, सब्ट्रैक्ट किया साइन चेंज होंगे तो ये प्लस थ्री एक्स और ये माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब जी एक्स जो है वो क्या है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्यूब एक्स से, मतलब एक्स माइनस टू से। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तो हमें जी एक्स जो है इसमें हमें क्या करना है, जी एक्स को पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाय क्या है क्यूब एक्स, ये है। तो पी एक्स माइनस आर एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और क्यूब एक्स हमारे पास है एक्स माइनस टू, क्यूब एक्स हमारे पास एक्स माइनस टू ही था ना। हाँ, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर अपन जो है जो कोशेंट आएगा वो जी एक्स होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा, जी एक्स होगा। सही बात है ना भाई, ऐसा है ना, पी एक्स माइनस क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल होगी, तो हमें जी एक्स निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यू, इसका फर्स्ट टर्म एक्स, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस टू हो गया माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स, डिवाइड करेंगे माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस टू इज प्लस टू एक्स, सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया एक्स माइनस टू, तो ये एक्स अपॉन एक्स किया तो आ गया प्लस वन, तो आंसर हमारे पास एक्स माइनस टू, ये माइनस ये प्लस सब कैंसिल हो के आ गया जीरो। तो जी एक्स की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन, ये जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये फोर्थ, ये क्वेश्चन नंबर हमने फोर कर लिया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देख रहे हैं अपन। फाइव में बोला गया है कि भाई हमें एग्जांपल देना है, पहला पार्ट है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो हमें पता था कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो होता है वो जी प्लस क्यू के इक्वल होता है। अब इन दोनों की डिग्री इक्वल है तो जी की डिग्री जीरो हो गई, मतलब जी एक कॉन्स्टेंट हो गया। तो पी आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, पी आप कोई भी एक फंक्शन ले लो, मान लीजिए पी आपने ले लिया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, और क्यू आप जी आपने कोई भी एक फंक्शन ले लिया टू, तो हमारे पास जो क्यू आएगा वो क्यू क्या जाएगा, क्यू हमारे पास जो है वो एक क्यू हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक ही आ जाएगा सेम इसका। भाई हम डिवाइड करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर, फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। अब बचेगा सिक्स एक्स प्लस वन, इसका उससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्लस थ्री एक्स, तो थ्री एक्स इंटू टू हो जाएगा सिक्स एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, प्लस वन बचेगा। अब वन को अगर टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन बाय टू, तो वन बाय टू तो ये वन हो जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस हाफ। तो आप देख सकते हो पी एक्स का डिग्री भी टू है, क्यू एक्स का डिग्री भी टू है, तो दोनों का डिग्री सेम है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब फिफ्थ के फर्स्ट के बाद बोला है सेकंड, फिफ्थ का सेकंड बोला है कि डिग्री ऑफ क्यू और डिग्री ऑफ आर, डिग्री ऑफ क्यू और डिग्री ऑफ आर दोनों बराबर होने चाहिए। डिग्री ऑफ क्यू और डिग्री ऑफ आर बराबर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं भाई, डिग्री ऑफ क्यू इक्वल टू डिग्री ऑफ आर, अपन ऐसा कर लें क्यू ऐसा कुछ ले लो कि आर भी कांस्टेंट आ जाए क्यू भी कांस्टेंट आ जाए, मतलब अगर मैं ऐसा कर लूँ कि हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन, और इसको मैं डिवाइड कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से, तो यहाँ टू आएगा तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेवन आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है हमारे पास, ज़ीरो, और डिग्री ऑफ आर एक्स भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो लो भाई ये वाला एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ें
बोला गया डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो, तो वो भी एग्जांपल यही है थर्ड वाला, डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो इसमें भी हो रहा है। तो लो भाई, इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो बच्चों, आज अपन ने जो है एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 ऑफ एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 2.3 ऑफ एनसीईआरटी अपन ने सॉल्व कर ली है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप इसकी मिसलेनियस भी मैं सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि अच्छी है इसकी मिसलेनियस। तो अपन एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, केवल 2 क्वेश्चन है उनको और सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप 2.4 सॉल्व करके आइएगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।